आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी गिवन बुलियन फंक्शन को कैनोनिकल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, आज की वीडियो में हम उस पर बेस क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम दो क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सेकेंड क्वेश्चन में हमें कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, इस बुलियन फंक्शन को सपोज हमें गिवन है एफ इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी सी, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, आइदर वो एसओपी हो या पीओएस हो, वो क्या होता है जिसमें सभी टर्म्स में सारे लिटरल्स अवेलेबल हो। सपोज ये हमारा क्या है, थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन है। कैसे, जैसे ए बी सी, ये क्या है हमारा थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो सभी टर्म्स में जितनी भी टर्म्स है उसमें सारे वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, एसओपी फॉर्म में है। ओके, अब ये इसमें कितनी टर्म्स है, वन टू, ये दो टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इस एक टर्म में बी सी अवेलेबल नहीं है और इस टर्म में हमारा ए अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो आइडेंटिटीज यूज होने वाली है ये मैंने साइड में लिख दी है, कोई और आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एफ इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी सी। हाँ, एक और बात, ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हो, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू, सपोज आपको ए और बी सी दिया हुआ है। अब आपको इस साइड अगर आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ओनली थ्री वेरिएबल्स का ही फंक्शन है, लेकिन नहीं, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि फोर वेरिएबल्स का फंक्शन है। इसका मतलब इस टर्म में कितनी टर्म्स मिसिंग है, बी सी डी, थ्री टर्म्स मिसिंग है। इस वाली टर्म में कितनी, सॉरी, वेरिएबल्स मिसिंग है, और इस वाली टर्म में कितने वेरिएबल्स मिसिंग है, ए और डी मिसिंग है। तो आपको इस तरह से देखना है कि कितने वेरिएबल्स का फंक्शन है। यहाँ पर हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन है, लेकिन इस एक टर्म में दो मिसिंग है और इस वाली टर्म में एक मिसिंग है, इसीलिए कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखें इस वाले में, तो इसमें क्या मिसिंग है, बी और सी मिसिंग है। अब एक रूल आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हम वन को किसी भी वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस वही वेरिएबल मिलता है। मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे एंड में, हो सकता है आपको बार बार मल्टीप्लाई यूज करूं, लेकिन वो क्या है, एंड। अगर हम एंड ऑपरेशन वन का किसी के साथ में करते हैं तो बैक हमें वही क्या मिलता है, वेरिएबल मिलता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी अगर हम इसके साथ में वन का एंड प्रोडक्ट कर दें, एंड ऑपरेशन कर दें, तो वापस हमें क्या मिलने वाला है, यही मिलने वाला है, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें एक और रूल पता है, कौन सा, ये किसी वेरिएबल का ऑरिंग करते हैं हम उसी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट से, तो हमें वन मिलता है। ओके, तो हम वन के प्लेस पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम वन के प्लेस पर बी और बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, क्योंकि हम पहले B को लेके आते हैं यहाँ पे, फिर हम C को लेके आएंगे। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते थे, वन एंड बी सी कर सकते थे, वापस हमें ये मिलता। अब इस वन के प्लेस पे हम क्या लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर A मिसिंग है, ठीक है, हमें A चाहिए, तो हम यहाँ पर वन के प्लेस पे A और A का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर B एंड C तो आ ही गया है। ओके, अब क्योंकि ये सॉल्व होके वन ही मिलेगा, ये सॉल्व होके वन ही मिलेगा। ओके, अब हम क्या करें, नीचे आते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको इसके साथ में ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। और यहां पर भी सेम चीज होगी, ए को पहले इसके साथ में करेंगे तो ए बी सी, इनके बीच में डॉट आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। तो अब ये टर्म्स तो हमें फुल मिल चुकी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन मिसिंग है, सी मिसिंग है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर भी वन को एंड कर दें, यहाँ पर भी वन को एंड कर दें, तो बैक हमें यही मिलेगा। अब इस वन के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगी, तो इस वन के प्लेस पे मैं लिख दूंगी सी और सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर वापस, और फिर यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और इस वन के प्लेस पे मैं फिर से क्या लिख दूंगी, सी और सी का कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगी, ठीक है। और ये वाली जो दोनों टर्म्स है वो एज इट इज आ जाएंगी, तो ए बी सी, और फिर वापस क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ये आ गया। अब हम इनको सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा हमें, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी
और ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ओके। इसके बाद में यहां पर भी हम सेम रूल अप्लाई करें, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, फिर यहां पर इनको हमें एज इट इज लिख देना है, तो ए बी सी और ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ठीक है। अब हमें देखना है कि कोई सी टर्म्स रिपीट हो रही है क्या, तो उन्हें हमें एलिमिनेट कर देना है, क्यों, क्योंकि हमें एक रूल पता है, एक रूल एक्स और एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब दो बार कोई वेरिएबल में ओरिंग हो रही हो तो हमें वापस वही वेरिएबल एक बार मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कोई सी टर्म रिपीट हो रही है क्या, हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये वाली टर्म जो है वो रिपीट हो रही है, तो हम उसे क्या करेंगे, एक बार ही लिखेंगे इस रूल को फॉलो करके, तो इसीलिए मैं इस एक को हटा देती हूँ। तो ये क्या आ गया हमारा, इस वाले बुलियन फंक्शन का क्या आ गया, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आ चुका है। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें क्या करना है, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ओके। अब ये हमें दिख रहा है कि कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, पीओएस में है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स है, या पीओएस एसओपी तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन ये कैनोनिकल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि ये थ्री वेरिएबल्स का क्या है, फंक्शन है, लेकिन इसमें सी मिसिंग है, इसमें बी मिसिंग है, इसीलिए ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। तो अब हमें इसको कैनोनिकल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो अब हमारा फर्स्ट रूल जो अप्लाई होगा वो क्या अप्लाई होगा, कि अगर हम किसी भी वेरिएबल में क्या करते हैं, जीरो को ऑफ करते हैं, ऑरिंग करते हैं, तो हमें वापस वही वेरिएबल मिलता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, देखो ए और बी और जीरो, इसमें मैंने जीरो की क्या कर दी, ऑरिंग कर दी, इसी तरह से यहाँ पर ए और सी और जीरो कर दिया, क्योंकि बैक हमें वही मिलने वाला है, ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमें दूसरा जो रूल यूज करना है वो ये वाला रूल यूज करना है, क्या यूज करना है, कि किसी वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम एंड प्रोडक्ट करते हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट फिर से हमें जीरो ही मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट लिख दूं, तो मुझे वापस जीरो ही मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या मानूं, इसको एक टर्म मानूं, मतलब इसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करूं और इसको एक और वेरिएबल की तरह ट्रीट करूं, तो अब मुझे ये वाला रूल इसमें अप्लाई करना है। इसके कहने का मतलब क्या है, एक्स और वाई जेड है अगर, ठीक है, एक्स और वाई जेड या कुछ भी दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक्स पहले वाई के साथ में और हो जाएगा, उसके बाद में लगेगा एंड, और फिर एक्स किसके साथ में और हो जाएगा, जेड के साथ में और या प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ में ओरिंग हो रही है, मान लिया ये हमारा एक्स है, ठीक है, इसके साथ में ओरिंग हो रही है इसकी, इसके साथ में हमारी ओरिंग हो रही है इसकी, तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसका इस एक्स का, मान लिया मैं अभी पहले एक्स लिख देती हूँ, एक्स की जगह पे फिर मैं ए और बी पुट कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स और सी हो जाएगा, इसके बाद में एंड आएगा, फिर एक्स और सी का कॉम्प्लीमेंट, देखो यही वाला लॉ यहाँ पे लग रहा है, तो क्या आ जाएगा, एक्स और सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पर मान लिया ये वाई है या कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पर भी हम यही चीज करेंगे, पहले इस वाई की ओरिंग हो जाएगी बी के साथ में, तो वाई और बी आ जाएगा, फिर वापस क्या आएगा, एंड आएगा, और y और b का कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो y और b का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें क्या करना है, x और y के प्लेस पे उनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो x के प्लेस पे हम रख देंगे a और b, तो a और b और c, और फिर यहाँ पर x के प्लेस पे a और b रख दिया, ठीक है, और फिर क्या आ गया, c का कॉम्प्लीमेंट, फिर y के प्लेस पे a और c रखना है, तो यहाँ पर a और c और b, और यहाँ पर फिर y के प्लेस पे a और c रखना है, तो a और c और b का कॉम्प्लीमेंट रखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करके इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये पूरा तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, ये वाली टर्म हमारी एज इट इज, ये वाली टर्म हमारी एज इट इज, ये क्या बन जाएगा, a और b और c बन जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, a और b कॉम्प्लीमेंट और c बन जाएगा। अगेन हमें क्या करना है, देखना है कि कोई टर्म्स रिपीट तो नहीं हो रही, कोई मैक्स टर्म्स रिपीट तो नहीं हो रही है, तो
तो यहाँ पर हम देखें ए और बी और सी जो है वो रिपीट हो रहा है। अब हमें एक और रूल पता है कि एक्स एंड एक्स भी क्या आता है, एक्स ही होता है, मतलब ये रिपीट हो रहा है तो हम उसको एक बार लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर दिस एंड दिस हमें क्या मिलेगा, वापस यही मिलेगा। तो हम किसी एक को यहाँ से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हमें क्या मिला है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स मिला है, POS कैनोनिकल फॉर्म, क्योंकि इसकी सभी टर्म्स में सभी वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। ओके।